झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में बीरा व बमहौरी सोहागी के विद्यालय में फर्जी व कूट रचित नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी कर रही शिक्षिकाओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राजकीय बालिका हाई स्कूल बीरा की प्रधान अध्यापिका उषा पाठक ने पुलिस को बताया कि विद्यालय में तैनात हिंदी के सहायक अध्यापक ग्राम लक्ष्मी रामपुर पोस्ट हीरा पट्टी तहसील सदर जनपद आजमगढ़ निवासी अमृता कुशवाहा ने कूट रचित नियुक्ति पत्र कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 20 जुलाई को राजकीय बालिका हाई स्कूल बीरा में सहायक अध्यापक हिंदी के पद पर नियुक्ति का पदभार ग्रहण किया। वहीं राजकीय बालिका हाई स्कूल बमहौरी सुहागी की प्रधान अध्यापिका पूनम बौद्ध ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि बमहौरी सुहागी के विद्यालय में सहायक अध्यापिका मगनापार बलियागंज जनपद आजमगढ़ निवासी मैनावती ने फर्जी व कूट रचित नियुक्ति पत्र दिखाकर 27 जून को कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 20 जुलाई को बमहौरी सुहागी में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति ली थी। शिकायत के बाद मऊरानीपुर पुलिस ने दोनों शिक्षिकाओं के विरुद्ध मऊरानीपुर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। जांच में पाया गया कि नियुक्ति पत्र फर्जी थे, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। यह बात थी मऊरानीपुर की। अब इसके अलावा बात करें तो झांसी जिले में तकरीबन 5 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही की गई है, जिसमें झांसी के मऊरानीपुर में 2 तो वहीं गरौठा में 3 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गरौड़ा पुलिस ने खड़ौरा हाई स्कूल में तैनात 3 शिक्षकों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जिसमें तीनों शिक्षक फर्जी तरीके से यहां पर नियुक्ति लेकर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। झांसी जिले में फर्जी तरीके से काम कर रहे 5 शिक्षक आजमगढ़ के रहने वाले बताए गए हैं, जिन पर फिलहाल पुलिस कार्यवाही में जुटी है। पुलिस की इस कार्यवाही से शिक्षा के क्षेत्र में फर्जी तरीके से काम करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा जो शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते थे, अब वह भी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम देने में जुट गए हैं। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।